भसीन साहब ने एक कन्विक्शन दिया था कि सितंबर की सीरीज पॉजिटिवली सरप्राइज करेगी, तो मैं रह रहे कि मार्केट तुमसे सुनना इसलिए चाहता हूं कि वो पॉजिटिवनेस बनी रहे, हम लोग का जोश बना रहे भारतीय बाजारों में। भसीन सर ऐसा रहेगा ना? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। मैंने कहा था मार्केट विल बी आउट परफॉर्मिंग द मिड कैप्स, और देखिए आप में मिड कैप्स में रंगत बहुत अच्छी आ गई, चाहे वो ऑटो थे, मिड कैप बैंक देखिए आज, और वो मैं अभी भी कहता हूँ ये शुरुआत है क्योंकि क्रेडिट इज एक्सपेंडिंग, रीओपनिंग इज वेरी फास्ट, इंडिया स्टैंड आउट, और आईटी में जो तेजी थी मेटल्स में वहां थोड़ा कॉशस हो, बट मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस सितंबर की सीरीज विल बिलोंग टू ऑटो, रियल इस्टेट, मिड कैप बैंक, द मिड कैप्स। तो वहां मैं आपको अपडेट दे दूं। मैं बड़ी जोर से आपको 2025, 50, 2075 पे कहा था रिलायंस यू कांट गो रॉन्ग, देखिए आज की रंगत ही सारी रिलायंस है 3-4 दिन से। आपको अडानी पोर्ट मैंने कहा था बहुत मुश्किल होता है अडानी पोर्ट, जल्द शेयर का लेने का कहा 685-690, आज वो टॉप गेनर है। उसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी, चोला फाइनेंस, M&M, ऑल स्टॉक्स विच आर बीटन डाउन हैव गिवन वेरी गुड रिटर्न्स इन द लास्ट फ्यू डेज एंड टुडे दे आर आउट परफॉर्मिंग। अब मेरे दो पिक्स हैं और ये भी कन्विक्शन है क्योंकि ये आप इन बिजनेसेस में कोई यू नो यू कैन नॉट हैव बेटर बिजनेसेस। पहला है गेल। गेल में थोड़ी अंडरकटिंग आ गई बिकॉज ऑफ द गैस प्राइसेस गोइंग अप, बट गेल इज द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टर ऑफ गेन, सो आई थिंक गेल इज गोइंग टू बी एन आउट। आपको याद है 214 पे पेट्रोनेट मैंने खड़े होकर कहा था 230 जाएगा, देखिए 230 चले गया, तो गेल मुझे 42 रुपए पे बहुत अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस रखिए 139, सिर्फ 4 रुपए का स्टॉप लॉस है, 38-39, 155 का टारगेट मुझे दिखता है इन द सितंबर सीरीज। और दूसरा भाई है कन्विक्शन पे अशोक लीलैंड, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स में जो वीकनेस थी वो हो गई है, उनका जो बस का बिजनेस है विच इज नॉट सो प्रोन टू सेमीकंडक्टर इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और उनका जो छोटा आईसीवी व्हीकल है, इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल, वो बहुत अच्छा बिक रहा है, तो 17 रुपए में वो लीजिए, 13.60 रुपए का स्टॉप लॉस, 27 का टारगेट। अरे वाह वसीन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो गेल और अशोक लेलैंड, इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने का मन